तुर्की ते सीरिया विच विनाशकारी भूचाल च हुण तक 15,000 तो वध लोकां दी मौत हो चुकी है। दोवें देशां दी मदद लई भारत तो भी रेस्क्यू टीमां इन्हां देशां च मुहिम चला रहियां हन। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दित्ती है कि तुर्की विच 10 भारती भी फसे हुए हन, उत्थे ही एक भारती लापता दस्या जा रहा है। विदेश मंत्रालय MEH सकत्तर संजय वर्मा ने कहा है कि लापता भारतीय नागरिक माल्टा च तुर्की दी व्यापारिक यात्रा ते सी। उन्होंने कहा है कि तुर्की लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन दोस्त तहत भारत लगातार अपने नागरिकां दे संपर्क विच बनिया होया है। वर्मा ने कहा है कि पिछले 2 दिनों तो एक भारती दा पता नहीं लग्या। असी उन्हां दे परिवार अते बेंगलुरु च उस नूं नौकरी देने वाली कंपनी दे संपर्क विच हां। संजय वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तुर्की दे हालात अते उत्थे फसे भारतीयों की जानकारी दिती है। उन्होंने कहा है कि तुर्की विच 1939 तो बाद आई ये सब तो वड्डी कुदरती आफत है। सानू मदद लई तुर्की वल्लों एक ईमेल प्राप्त होया अते बैठक दे 12 घंटियां दे अंदर दिल्ली तो तुर्की लई उड़ाना रवाना हुईयां हन। उन्होंने ये भी दस्या कि इस तो बाद NDRF अते मेडिकल टीमां नू भी उत्थे भेजा गया। असीं तुर्की दे अदाना च एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है। विदेश मंत्रालय ने अगे दस्या कि तुर्की विच करीब 3,000 भारती रहिंदे हन। इन्हां चों लगभग 1,800 लोग इस्तांबुल अते उस दे नेड़े इलाकियां च रहिंदे हन। उत्थे ही 250 अंकारा च अते बाकी लोग पूरे देश विच फैले हुए हन। विदेश सकत्तर ने अगे दस्या कि सानू करीब 75 लोकां दे फोन आए हन जिन्हां ने साडे दूतघर तों सूचना अते सहायता बारे पुछिया। तुर्की ते सीरिया विच विनाशकारी भूचाल च 15,000 तो वध लोकां दी मौत दे लई असी दुआ करदे हां कि परमात्मा उन्हां नूं अपने चरणां विच स्थान बख्शन। इस विनाशकारी भूचाल विच मारे गए लोकां लई तुसी संवेदना कमेंट करके जरूर दिओ अते इस खबर नूं ज्यादा तो ज्यादा लाइक शेयर कमेंट करो। देश दुनिया की तमाम खबरों नाल जुड़े रहने लिए सबसक्राइब करो यूट्यूब ते सच कहूं पंजाबी चैनल। इस दे नाल ही बैल आइकन दब के पाओ लेटेस्ट अपडेट सब तो पहला।